बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है और स्टोरी है तहरीक अदम एतमाद। बाकी सारी चीज़ें इसी से जुड़ी हुई हैं, जो जो चीज़ें नई सामने आ रही हैं वो इसी से जुड़ी हुई हैं। आर्मी चीफ जनाब कमर जवेद बाजवा साहब का, जनरल कमर जवेद बाजवा साहब की मुलाकात हुई है अपोजिशन रहनुमाओं से। ये अल्हम्दुलिल्लाह ZN न्यूज़ की ये एक्सक्लूसिव स्टोरी है, इस पर बात करेंगे। दूसरा बात करेंगे कि ये जो ख़त है ना, ये आपको मैं एक बात बता दूँ, ये इमरान नियाजी के ऐसा पुठे तरीके से गले पड़ गया है ना, क्योंकि ये गलत बयानी की गई थी, ये सिर्फ़ और सिर्फ झूठ बोला गया था। अब वो झूठ जिस तरीके से गले पड़ रहा है और हर आने वाले लम्हे के साथ जिस तरह से घेरा तंग हो रहा है, आप मैं कहता हूँ कानों को हाथ लगाएंगे। इस पे बात करेंगे। और मरियम नवाज साहबा फिर से मैदान में उतार दी गई नवाज शरीफ साहब की तरफ से। आज मैंने भी कहा, मैंने कुछ ट्वीट्स भी किए, मैंने कहा कि मरियम नवाज़ साहब को क्यों नून लीग ने चुप करवाया हुआ है अगला इलेक्शन हारने के लिए। भाई बात यह है कि आप इसी तरीके से आएँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, जलसे करें, एक माहौल है, भले वो रिवर्स भी हो जाता है तब भी आप अपने जलसे करें, फिर भी होना तो इलेक्शन ही है, अल्टीमेटली तो इलेक्शन ही होना है ना। ठीक है, तो आप माहौल को गरमाएं भाई, गर्म मौसम है वैसे भी, और अब रमज़ान शरीफ का बाबरकत महीना है और ये इफ्तार के बाद जो है ना जलसे बड़ा सूटेबल टाइम है इसी तरीके से। तो ये चूँकि जो आज भी वो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की, एक कड़ाकेदार किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और फिर वही फरा को रगड़ा, और फरा के ज़रिए अब ये फरा का जिस तरीके से मैं कहता हूँ फंदा डलने वाला है ना बहुत सारों के गले, और जिस तरीके से वो फरा को वापस करेंगे और जिस तरीके से करवाएंगे वापस, और वो जिधर फरा का खुरा जाता है ना, फरा का खुरा, वो फिर आपको लग पता जाएगा कि फरा का खुरा किधर किधर जाता है। वो बनीगाला की तरफ जाता है, वो फरा का खुरा बहुत सारे ज़राए बता रहे हैं। ये मैं अपोजिशन ज़राए की बात नहीं कर रहा जी, ठीक हो गया ना, बहुत सारे ऑथेंटिक ज़राए बता रहे हैं कि फरा का खुरा पीरनी की तरफ जाता है। वो बात तो उधर ही, ऐसे तो नहीं कि इन्होंने अपनी हुकूमत तोड़ दी, असम्बलियाँ तोड़ दी, कि भाई किसी तरीके से ये तहरीक अदम एतमाद कामयाब ना हो पाए। अगर शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म आ गया तो इन्होंने तो हमारे बखिए उधेड़ देने हैं, इन्होंने तो हमारे वो भिगो भिगो के मारना है, और ये तो फरा भी पकड़ी जाएगी और फरा की उस्तानी भी पकड़ी जाएगी। ठीक है ना, ये सारा कुछ जो है ना बड़ी, अब वो जो उन्होंने कहा कि जिस तरीके आपने वो देखा होगा जो तस्वीर आ रही हैं उनकी, जनाब वो यूं करके जहाज़ में बैठी हैं, पता नहीं किधर बैठी हैं, और साथ एक बहुत ही कोई कीमती बैग पड़ा है। वो सुना है कि वो 2-2.5-3 करोड़ का बैग है, तो ये किधर से आया है और वो किस किस को कैसे कैसे पैसा मिला है, और वो किस तरीके से कौन कौन अमीर हुआ है, और कौन कौन जो है ना, आप तो वो कह रहे हैं मूसा मानिका साहब कि जी हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, तो इतने मासूम न बने, ज़रा थोड़ा सा हौसला रखें। लेकिन मैं हैरान हूँ कि कम अज़ कम ब्यूरोक्रेसी को कहना चाहिए था कि चाहे उनको पुलिस के हिसार में भी बाहर भिजवाया गया, फरा को क्यों भिजवाया गया। ये तो मैं कहता हूँ कि इन लोगों की भी जो है ना छतरोल करें जब वो आएँ, जो जो मुलव्वस हैं फरा को बाहर भेजने में, फरा को बार फरार करवाने में जो जो लोग मुलव्वस हैं, इसका मतलब ये सारी गेम ही इसी वजह से थी कि अपनी हुकूमत बेशक तोड़ दो इलेक्शन की तरफ, लेकिन उससे पहले ये ना आने पाएँ, क्योंकि ऐसा ना हो कि ये तो फिर अगर आए तो ये इन्होंने तो हमारी छतरोल कर देनी है, इन्होंने तो बंद कर देना है, ये तो सारा कुछ जो हमने ड्रामे रचाए हैं और हमने जितना कुछ खाया पिया है। तो आज मरियम नवाज़ साहब ने फिर से ज़रा हौसला रखें, वो दास्तानें आ रही हैं कि मैंने आपको कहा था ना अपनी मुतअद्दिद वीडियोज़ में कि आपको एशिया की करप्शन भूल जाएगी। जी बिल्कुल ऐसे ही है। और ये जो ख़त है, अब आज तो जनाब राइटर्स की स्टोरी आ गई है और राइटर्स ने लिखा है बकायदा, और वो लिखता है, राइटर्स लिखता है कि जो सिक्योरिटी ऑफिशल्स हैं पाकिस्तान के, सिक्योरिटी ऑफिशल्स जो पाकिस्तान का कंट्रोल टावर है, उन्होंने बताया है कि ये खदशात कोई नहीं है, ना ही कोई इंटरनेशनल साजिश और इसके ताने बाने कोई नहीं है,
और ना ही कोई ऐसा ख़त है और ना ही कोई पोजीशन बार के लोगों से मिली है और ना ही कोई इस तरीके से। अब अगर ऐसा हो ना तो फिर तो पोजीशन अगर मिली होती या पोजीशन ने कोई साजिश की होती या कोई अमरीकी साजिश में शामिल होता या कोई इस तरीके का, तो अपोजीशन ख़ुद जा के कोर्ट में कहती कि जनाब एजेंसियों के लोगों को बुलाओ और इस ख़त की तहकीकात करो। ये ख़त ऐसा गले पड़ने वाला है इमरान नियाज़ी के, आप याद रखिएगा। और मैं कहता हूँ अपोजीशन ने जिस तरीके से दुखती रग पे हाथ रखा है ना, उस हाथ को अब उठाना नहीं, अगर हाथ उठाएं तो पैर रख दें उधर, भारी पैर रख दें कोई, ठीक है ना। जिस तरीके से मौलाना साहब ने, बिलावल साहब ने, आज शहबाज साहब ने भी, सब ने ये मुतालबा किया है ना, और मुतालबा किया है पाक फौज से, कंट्रोल टावर से, कि जी आप इसकी ज़रा तहकीकात करवाएं, इस पर कमीशन बनना चाहिए सुप्रीम कोर्ट का, ताकि नियाज़ी आइंदा के लिए जो है ना, वो खैर वो तो एक अलग बात है, झूठ बोलना तो वो कभी भी नहीं छोड़ेगा। एक कमीशन बना था आपको याद है, इलेक्शन में कहते रहे जनाब धांधली हो गई, धांधली हो गई है। उस कमीशन ने साबित कर दिया कि कोई धांधली नहीं हुई, और नियाज़ी आज तक कहता है, नियाज़ी वो कोई पुठा इंसान है, नियाज़ी आज तक कहता है कि वो जो है ना कमीशन वो जो बना था और धांधली इन्होंने की थी, ठीक है ना, 2013 में वो चार हलके, हालांकि वो सुप्रीम कोर्ट का कमीशन था, इंक्वायरी कमीशन, तीन रुकनी, और उस आज तक वो मौजूद है। और डार साहब कहते रहे, डार साहब ने कहा कि ये हमारा तय हुआ था कि अगर आप माफ़ी नहीं भी मांगेंगे तो कम से कम जो बंदा हार गया इस कमीशन के नतीजे में, जो सुप्रीम कोर्ट का के जजेस जो है ना उसकी तहकीकात कर रहे हैं, तो वो अपने इल्ज़ाम फ्लोर ऑफ द हाउस वापस ले लेंगे। इन्होंने वो भी नहीं किया, मतलब माफ़ी मांगना। तो अब आप अंदाज़ा कीजिए, नियाज़ी ने आके ही एक कमीशन बनाया था, इमरान नियाज़ी ने, आपको याद हो होगा, और उसमें कहा था कि ये जो इतने सारे कर्ज़े लिए गए हैं ये किधर लगे हैं कर्ज़े, ठीक है ना, ज़रा कमीशन बनाए ना और बताएं कि कौन कौन कितने कितने खा गया है। इमरान नियाज़ी के अपने बनाए हुए कमीशन ने रिपोर्ट दी थी कि बिल्कुल मेरिट पर लगे हैं, उसके बाद वो चुप लग गई उनको, लेकिन आज तक फिर वो कहते हैं जलसों में, मतलब खुद ही तहकीकात करवाई हैं और उन तहकीकात के नतीजे में खुद ही उनकी मासूमियत की गवाही आई है, उनकी बेगुनाही की गवाही आई है अपोजिशन की। लेकिन नियाज़ी कोई इतना ढीठ इंसान है कि वो आज भी जलसों में वही कह रहा है कि देखो इन्होंने इतने कर्जे लेके ये खा गए हैं, और ख़ुद कमीशन बनाया था। अब आप अंदाज़ा कीजिए इस चीज़ का, हमें इस चीज़ की समझ नहीं आती। जनरल बाजवा साहब, मुझे पता है आपके जो जो थंबनेल पे लगाए ना, तो आपको लग रहा होगा कि जी पहले पहले इसको ज़रा डिस्कस करें। जी हाँ, जनरल बाजवा साहब को जो है ना वो मुलाकात हुई है, और अपोजिशन के रहनुमाओं की मुलाकात हुई है, ये मुलाकात आज हुई है, ये मुलाकात जनाब एक मेस में हुई है, ये कोई इफ्तार के आसपास हुई है, गालिबन थोड़ा सा इफ्तार से ज़रा पहले हुई है, ठीक है ना। अच्छा, मैंने फिर आप उसके बाद पूछा, क्योंकि मैं आज मुसलसल ट्वीट्स भी कर रहा था, मैंने अपनी पिछली वीडियो में, उससे पिछली वीडियो में भी मैंने कहा, भाई देखें बात ये है कि अगर वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाना चाहते और वो सुप्रीम कोर्ट नहीं बुलाना चाहते, सुप्रीम कोर्ट ने, अब आप देखें ना, वो ख़ुद कह दिया कि जी नहीं, अभी हम इसको आईनी मामले को देख रहे हैं, हम अभी वो ख़त का मामला और वो नहीं, सिर्फ यही इसी ख़त को छोड़ना नहीं चाहिए अपोजिशन को। इसी ख़त की बुनियाद पर उस कासिम सूरी डफर ने पूरे आईन का सत्यानाश कर दिया, इसी ख़त की बुनियाद पर पार्लियामेंट के फ्लोर ऑफ द हाउस बैठे हुए अपोजिशन के और जो अपने लोग इनके जो मुनहरिफ हो चुके थे और इतिहादी जमातों के 196 अराकीन को या 197 अराकीन को उसने, डफर ने गद्दार करार दे दिया। देखिए ना, इतनी बड़ी आईन के साथ गद्दारी, मुल्क के साथ गद्दारी इस तरीके से, और वो फवाद चौधरी जो बोलता ही झूठ है, वो पैदाइशी झूठा है, ठीक है ना, वो उठ के वो जिस तरीके से उसने वो बात की, आप शायद बहुत सारे सोचते होंगे, क्योंकि आप मेरे बहुत पुराने व्यूवर्स हैं, या ये नहीं कि आज मुझे आप आज सुनने सुन रहे हैं, मुझे सुनने वाले अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही सोफेस्टिकेटेड हैं, बहुत ही एजुकेटेड हैं, सोफेस्टिकेटेड हैं, डिसेंट हैं, अपराइट पर्सन हैं, बहुत ही संजीदा इंसान हैं, बहुत ही सीनियर बंदे हैं मुझे सुनने वाले, शायद हो गए सोचते होंगे कि यार ये अचानक से ज़फ़र नकवी की का प्रेशर ऑफ स्पीच क्यों बढ़ गया है, ये क्यों इस तरीके की बात कर रहा है। यकीन करें मेरा खून खौल रहा है कि जिस तरीके से इन्होंने आईन के साथ खिलवाड़ किया है, सिर्फ इस चीज़ से बचने के लिए कि शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म न बने,
इस चीज़ से अपनी हुकूमत तो कुएं में फेंक दी है, वो तो गल गए और इतने जाहिल हैं, इतने जोहला हैं कि उस पर जश्न मना रहे हैं। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि यही कहते थे कि इनके पास तो नंबर ही कोई नहीं है, हमारी तो ये भी हुकूमत पूरी और अगला इलेक्शन भी ये इनका गया, और किसने कहा है कि मुझसे इस्तीफ़ा लेंगे, और किसने कहा है कि अदम इतमाद आएगी और पास होगी। इनको कहें कि हम हिम्मत करें, वो जो इमरान खान के बकौल वो शीदा टली है, वो बार बार जनाब मुक्के मार रहा था डाइस पर और कह रहा था कि 172 इन्होंने लाने हैं। उसके मुंह पे कालक मली अपोजिशन ने जब 172 नहीं, ईवान में जब 196-197 ले आए। अब आप अंदाज़ा कीजिए, अब ये बातें करते थे, जब इनको पता चला कि ये तो अब बड़ा मामला ख़राब हो गया और अब तो ये पास होती और हम गए और शहबाज शरीफ आया, तब इन्होंने आइन की धज्जियाँ उड़ा दी। तब उस डफर ने जो खुद स्टेज पे चल रहा है उसको, अभी तो बहुत सारी वादा माफ गवाहाने हैं, अभी तो कल आपने सुनी जनाब उनकी गुफ्तगू वो अलीम खान साहब की और चौधरी सरवर अपना चौधरी सरवर साहब की, गवर्नर एक्स गवर्नर पंजाब की। तो जनाब वो कहा गया कि जी बाजवा साहब तो जमहूरियत के पासदार हैं, मैं आइन की पूरी पासदारी करूँगा। बात यह है कि मैंने भी कहा कि उनको एक प्रेस रिलीज़ जारी करना चाहिए, आज मुझे पता चला वो क्यों नहीं कर रहे, वो करेंगे भी सही। तो मैंने तो भाई, मैंने तो जिन सोर्सेस से भी बात की ना, मैंने कहा नहीं भाई, उनको बिल्कुल बबांगे दोल करना चाहिए, क्योंकि नियाज़ी इस वक्त ये फैला रहा है कि ये जो ख़त आया ये साजिश थी, अमेरिकन साजिश है, इस साजिश में अपोजिशन भी शामिल है, और ये जो ख़त आया उसी ख़त की बुनियाद पे तो आइन का सत्यानाश किया इन्होंने, उसी ख़त की बुनियाद पर तो इन्होंने अदम एतमाद को रिजेक्ट किया है, उसी ख़त की बुनियाद पर तो दो ये रिकॉर्ड पहले किया हुआ था खिताब इमरान नियाज़ी का, पहले खिताब रिकॉर्ड किया हुआ था, फौरन ही शुरू हो गया खिताब पे, जी मैंने असेंबलियां तोड़ने का कह दिया। फिर उसके बाद उसी खत की बुनियाद पर प्रेसिडेंट ने, जो कि वो खुद भी प्रेसिडेंट एक तरह से वो अपनी क्रेडिबिलिटी खो चुके हैं और वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान नहीं रहे बल्कि वो टाइगर फोर्स का हिस्सा हैं, उन्होंने फौरी तौर पर असेंबली तोड़ दी। अब आप देखें एक आधे घंटे के अंदर अंदर आइन के साथ, पाकिस्तान के आइन के साथ कितना खिलवाड़ किया गया, किस तरीके से आइन को मसला किया और किस तरीके से आइन को पैरों तले रौंदा किया, ये इस इमरान नियाज़ी ने किया है, ढीठ आदमी ने। ये इस तरीके से, यकीन करें मैं सिविलियन सुप्रीमेसी और मैं आइन का ना, मैं बहुत बड़ा आइन का परस्तार हूँ, इस तरीके से मैं आइन को, मैं कहता हूँ कि आइन और कानून के मुताबिक, अगर हम आइन और कानून के मुताबिक नहीं चलेंगे तो हम किसी भी तरीके से, मैं कहता हूँ कि मैं पाकिस्तान में कुरान मजीद के बाद अगर सबसे मुकद्दस कोई किताब मानता हूँ तो वह आइन पाकिस्तान को मानता हूँ, बस इतनी सी बात है। इस वजह से मेरा खून खोल रहा है जिस तरीके से इन्होंने आइन के साथ किया। इस तरीके से जब डिक्टेटर करता है ना, वो एक अलग बात होती है, आप अपने आप को डेमोक्रेटिक कहें और फिर आइन के साथ ये खिलवाड़ करें, शर्म आनी चाहिए आपको। तो जनरल बाजवा साहब ने कहा है कि जी मैं आइन के साथ खड़ा हूँ, मैं जमहूरियत के साथ खड़ा हूँ, कुछ बहुत सारी और बातें भी हैं, मैं आपको विद द पैसेज ऑफ टाइम बताऊँगा, लेकिन ये मुलाकात बड़ी अहम है, मैं आपको बताता हूँ। इस मुलाकात में अपोजिशन के सारे रहनुमा थे, इस मुलाकात में, और ये किसी एक अहम मैस में हुई है, वो मैं नहीं बता सकता। और साथ ही कुछ चीज़ें जो कहा गया है कि जी आपको हमने बकायदा एक मुतालबा किया है, रिक्वेस्ट की है कि आप पर ही ये इल्ज़ाम आ रहा है कि जी आप जो है ना इस तरीके से इसको, आप पर इल्ज़ाम आ रहा है कि जर्नैलों को मैंने कायल कर लिया है और उनको भी पता है और वो कन्विंस हो गए हैं कि अमरीकी साजिश में ये सारे अपोजिशन वाले शरीक हैं और हमारी गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ इंटरनेशनल साजिश। तो वहाँ भी बताया गया कोई साजिश नहीं, हमने उसके सब तहकीकात मुकम्मल कर ली हैं। अब उसके और तो और जो ख़त आया है वहाँ से, उस ख़त को यहाँ पर टेम्पर किया गया है, ये जालसाजी जब सामने आएगी ना, उस खत को भी यहां पे टेंपर किया गया है, और जिस तरीके से इमरान नियाज़ी बाल टेंपरिंग मान चुका है ना, उसी तरीके से खत की भी टेंपरिंग करवाई है। अब मैं थोड़ी देर पहले देख रहा था शाहज़ेब खानज़ादा साहब के प्रोग्राम में,
शाह महमूद कुरैशी साहब थे, उन्होंने शाह महमूद कुरैशी की वो छितरोल की है और शाहजेब खानजादा ने वो भिगो भिगो के छितर मारे हैं उनको, उनके पास कोई जवाब नहीं था। आखिर पे वो लड़ने आ गए, आखिर पे वो जियो पे इल्ज़ाम लगाने आ गए, आखिर पे असल में उनको ना वो चाहिए, वो तो इस आदि नहीं है ना, वो तो अपनी आदत बना चुके हैं कि उनसे क्वेश्चन करे चौधरी गुलाम हुसैन, वो डफर जिसको शुमाल और जनूब का नहीं पता चलता उस जाहिल को, और उनसे सवाल करे साबिर शाकिर जो इसी तरह का मालशिया पालशिया है, उनसे सवाल करे अरशद शरीफ जो सवाल बना के जवाब भी बना के उनके मुंह में दे रहा होता है, ऐसा मालशिया पालशिया है वो तो उनको तो उनका मिजाज ये बन चुका होता है ना, भाई हमें काउंटर कोई ना करे, बस एक सवाल ऐसा बनाए जो खुद हम यही चाहते हैं कि हम पे इस तरह का सवाल हो, और फिर उसके बाद वो जियो पे इल्ज़ाम लगाने लग गया। एक सवाल का उसके पास जवाब नहीं था, एक सवाल का। जब शाहजेब खानजादा ने कहा कि जब ये खत, अगर जब उन्होंने इतनी धमकी दी थी तो धमकी के बाद आपका वही अम्बेसडर उसी धमकी वाले से मिल रहा है और उसका शुक्रिया अदा कर रहा है, जब उन्होंने इतनी धमकी दे दी थी तो आप बड़े हंस हंस के अमेरिका की वो जो अपना ऑफिशियल आई यहाँ पे ओआईसी की मीटिंग में, गालिबन अंडर सेक्रेटरी थी, अंडर सेक्रेटरी स्टेट, तो वो फिर जो है ना उनके साथ आप किस तरीके से हंसमुख तरीके से मिल रहे थे, और फिर आपने इतजाजी कोई नहीं किया उनसे, और फिर जब वो आए और फिर आपने ख़त कहाँ 27 को वो किया, और उससे पहले आपने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की कोई मीटिंग ही नहीं बुलाई, उसके बाद आपने मीटिंग बुलाई, एक सवाल का उसके पास जवाब नहीं था। इतने ज़बरदस्त किस्म के शाहजेब खानजादा ने सवाल करके उसका सत्यानाश किया है कुरैशी का। ये खत बिल्कुल 100% ये खत इनकी जड़ों में बैठ जाएगा, आप देख लीजिएगा, इस खत की बुनियाद पर इनका पूरा का पूरा इलेक्शन दफन हो जाना है। ये खत इनके इतने गले पड़ गई है, अब अपोजिशन इस खत को छोड़ने वाली नहीं है। अब जो आपने जाली खत बनाया और जो आपने जालसाजी की है ना, आप तो हैं ही जालसाज ना, आप तो हैं ही फोटोशॉप वाले, तो जो जालसाजी की है आपने कहा कि हम अब की बार भी बच जाएंगे, वो लग पता जाएगा किस तरीके से होगा। इस मुलाकात की फर्दर बातें भी आपके साथ वादा रहा कि मैं आपको ज़रूर बताऊँगा, ज़रा थोड़ा सा रुका करें और हौसला रखा करें, बात ये ना किया करें जनाब आप तो नाम बता दें, आप तो फौरी तौर पे आप तो पूरी तफसील बता दें, जरा सब्र रखा करें, हौसला रखा करें, आपको इत्मीनान से सारी कुछ चीज़ें बताऊंगा। लेकिन अब सारी अपोजिशन मौजूद थी, अपोजिशन के रहनुमा सारे मौजूद थे, जनरल बाजवा साहब भी थे, जनरल बाजवा साहब के साथ कोई और भी था, ठीक है ना। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।